आज हम बात करेंगे खिलाड़ी और उनके उपनाम के बारे में, किस खिलाड़ी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर नहीं पाते, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए क्योंकि आपको दोस्तों इससे बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है असलम शेर खां को, मेजर ध्यानचंद को, बलवीर सिंह को, रूप सिंह को। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड आपको मिलेंगे। ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद को। देखिए दोस्तों हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ददा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह, उद्धम सिंह। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। देखिए दोस्तों ददा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन है एडिगो मैराडोना, एडी नासिमेंटो, सी ऑप्शन है लोथार मथाउस और डी ऑप्शन है रूट गुलेट। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन बी एडी नासिमेंटो। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है फुटबॉल के अंदर, तो दोस्तों ये है एडी नासिमेंटो। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है। तो ऑप्शन है पीटी उषा, साइनी इब्राहिम, सी ऑप्शन के एम बिनामोल, डी ऑप्शन है सीता सुनीता रानी। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए पीटी उषा। देखिए दोस्तों स्वर्ण बालिका और उड़न परी के नाम से कौन जानी जाती है, तो पीटी उषा जानी जाती है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट काफी फेमस है रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है राहुल द्रविड़, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी शोएब अख्तर। पाकिस्तान का बॉलर दोस्तों बहुत तेज बॉलर है, ठीक है वर्ल्ड कप में इन्होंने 160 से ऊपर की गेंद फेंक दी थी, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता है शोएब अख्तर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन जैक कैलिस, लांस क्लूजनर, शेन वॉन, वसीम अकरम। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी शेन वॉन। देखिए दोस्तों हॉलीवुड के नाम से कौन फेमस है, शेन वॉन फेमस है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये याद करते हुए चले दोस्त। नेक्स्ट ग्रेट डिलियर नाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है। तो ऑप्शन है डिकी बर्ड, डेविड सेफर्ड, सी ऑप्शन इयान रॉबिन्सन, डी स्टीव बकनर। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी स्टीव बकनर। देखिए दोस्तों ग्रेट डिलियर के नाम से कौन जाना जाता है, स्टीव बकनर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये एम्पायर है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करते थे। नेक्स्ट डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है डेविड सेफर्ड, डिकी बर्ड, पीटर विली, स्टीव बकनर। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, डांसिंग एम्पायर। ऑप्शन ए डेविड सेफर्ड। देखिए दोस्तों डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता था, डेविड सेफर्ड जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। तो दोस्तों ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सौरव गांगुली। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। देखिए दोस्तों ये तो है ही बॉम्बे के, आपको पता है, और बॉम्बे बॉम्बर कौन बन सकते हैं, तो सचिन तेंदुलकर ही बन सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या हो जाएगा, बॉम्बे बॉम्बर। इनके कई नाम है, आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है। ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड है। ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। देखिए दोस्तों लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाना जाता है जो क्रिकेटर है, तो दोस्तों वो है सुनील गावस्कर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है। ऑप्शन है मिस्टर रिलायबल, दिवाल, जेमी, इनमें से सभी। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए दोस्तों इनको तीनों ही नाम से बुलाया जाता था, मिस्टर रिलायबल, दिवाल और जिमी के नाम से, और दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट का स्तंभ थे, यानी कि एक बार क्रीज पे आ जाते थे तो दोस्तों विकेटों को ढक के खड़े हो जाते थे और दोस्तों आउट ही नहीं होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है। ऑप्शन है जेमी, जिमी, जंबो, बिम्बो। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है।
ऑप्शन सी जंबो। देखिए दोस्तों, अनिल कुंबले को किस नाम से बुलाया जाता था? जंबो के नाम से बुलाया जाता था। और दोस्तों इन्होंने टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय जो मैच होते हैं उनमें दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है? ऑप्शन है गुगा, शेरी, चिल्ली, मिंटो। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है। ऑप्शन सी चिल्ली। देखिए दोस्तों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम चिल्ली है। और दोस्तों इन्होंने एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में दोस्तों रजत पदक दिलाया था इंडिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टर्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह, शेन वॉन। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी हरभजन सिंह। देखिए दोस्तों, टर्बिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरभजन सिंह जाने जाते हैं। ऑफ स्पिनर है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स से आजकल खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आईपीएल का वीडियो भी हम लेके आ चुके हैं दोस्तों, वो भी जाके चैनल पर देखें। बिल्कुल बहुत ही आपको सारे फैक्ट्स वहां पर मिल जाएंगे, किसी भी चैनल ने इतने फैक्ट्स नहीं डाले होंगे आईपीएल के बारे में। नेक्स्ट, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ग्राम थोरपे, इयान थोरपे, सी ऑप्शन अलेक्जेंडर पोपोव, डी है दोस्तों जॉन पार्किस। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन बी इयान थोरपे। देखिए दोस्तों, थारपीडो के नाम से कौन जाना जाता था? इयान थोरपे जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सरगेई बुबका, एमा जॉर्ज, लोथार मथाउस, रियान बोथा। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए सरगेई बुबका। देखिए दोस्तों, पोल वॉल्ट का बादशाह कौन किसे जाना जाता था? तो सरगेई बुबका को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, सी ऑप्शन है जेम ऑफ द सिख, डी है द रनिंग किंग। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है द फ्लाइंग सिख। देखिए दोस्तों, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है उशन बोल्ट, बी ऑप्शन है ऑस्कर कार्ल पिटोरियास, सी ऑप्शन है कार्ल लुइस, डी है बेन जॉनसन। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट। ऑप्शन है उशन बोल्ट। देखिए दोस्तों, ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो उशन बोल्ट जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंसूर अली खां पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन बी कपिल देव। देखिए दोस्तों, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव प्रसिद्ध है, फास्ट बॉलर थे, ऑलराउंडर थे। तो दोस्तों कपिल देव हो जाएंगे इसके राइट आंसर। तो दोस्तों हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं। ये था खिलाड़ी और उनके उपनाम के ऊपर वीडियो। दोस्तों आपने यहां पर देखा होगा एसएससी और एनटीपीसी में मैंने बताया कि 2016 में कई क्वेश्चन मिले, ठीक है, और एसएससी में दोस्तों 15 में क्वेश्चन मिला, 16 में, 14 में। तो दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये आपके अभी जो एग्जाम आने वाले ना एसएससी और एनटीपीसी, दोस्तों उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिस भाई ने वीडियो देखा होगा दोस्तों, वो मेरे को आके बोलेगा कि सर 2-3 नंबर तो मेरे पक गए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह का हम वीडियो बनाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।